गाइस मैं हूं आपका मेंटोर एनसीईआरटी मैथ गुरु। आज हम स्टार्ट करेंगे 11th क्लास एनसीईआरटी मैथ का थर्ड चैप्टर। ठीक है, यहां पे थर्ड चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। इसका इंट्रोडक्शन मैं आपको बता दूं, द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री इज ड्राइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, यानी कि जो ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड यूज़ करते हैं आप, वो कहाँ से लिया गया है, ग्रीक वर्ड से ट्रिग्नो, ट्रिगन और मेट्रन। ठीक है, तो जिसका मतलब होता है मेजरिंग द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, यानी कि साइड्स को मेजर करना, किसकी साइड्स को, ट्रायंगल की साइड्स को मेजर करना। तो यहाँ पे ये बताया गया। आपको एक और बात और बता दूँ, ये किसके द्वारा स्टडी किया जाता है, सी कैप्टन फॉर नेविगेशन, जो समुद्री जहाज को चलाने वाले कैप्टन होते हैं ना, उनके द्वारा ये इसको पढ़ा जाता है। इसको क्यों पढ़ा जाता है, वो नेविगेशन उनकी डायरेक्शन देखने के लिए पढ़ते हैं इनको। ठीक है, और ये डिज़ाइनिंग, ये जो यूज़ होता है डिज़ाइन बनाने में भी हेल्प करता है, किस चीज़ का डिज़ाइन, इलेक्ट्रिक करंट का। ठीक है, तो अब आप चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको बताया गया है कि एंगल्स क्या होती हैं। तो यहाँ पे आपको बता दूँ, ये जो ओ है इसको क्या कहते हैं, वर्टेक्स, और ओ के साथ जो साथ लाइन जाएगी उसको क्या कहेंगे आप, इनिशियल साइड। अगर वो एंटी क्लॉकवाइज एंगल बनाए तो वो बनाएगी पॉजिटिव एंगल। ठीक है, और उस साइड को क्या कहेंगे, टर्मिनल साइड। इसी तरह से आपके पास यहाँ पे भी वर्टेक्स है ओ, इनिशियल साइड आपके पास है, ठीक है, ए, ये अब घूम रही है, ये जो एंगल बना रहा है क्लॉकवाइज बना रहा है ये आपके पास, क्योंकि क्लॉक ऐसे जाती है ना, तो ये क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज कैसे होगा, जब वो आपके पास जाएगा ऐसे। ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज एंगल बना रहा है, तो ये नेगेटिव हो गया, टर्मिनल साइड इसकी नेगेटिव हो गई, जैसे आपको यहाँ पे दिखा रखा है। ठीक है, उसके बाद आप स्टार्ट करेंगे डिग्री मेज़र कैसे की जाएगी। ध्यान से देखें, आपके पास ये है, इफ़ ए रोटेशन फ्रॉम द इनिशियल साइड टू द टर्मिनल साइड, यानी कि जो इनिशियल साइड से रोटेशन होगा टर्मिनल साइड की तरफ, वो एंगल कितना बनाएगी, 1/360 ऑफ ए रेवोल्यूशन, एक रेवोल्यूशन के लिए। यहाँ पे द एंगल इज सेड टू हैव मेजर ऑफ 1 degree रिटन एज 1, ऊपर जो गोला हमारा होगा 1 के ऊपर उसको कहते हैं डिग्री। ठीक है, यहाँ पे क्या गया कि आप 1 degree को कैसे लिख सकते हैं, 1 लिख के न्यूमेरिकल फॉर्म में 1, ऊपर डिग्री का निशान है। ठीक है, तो 1 degree में कितने मिनट्स होते हैं, 1 degree में 60 minutes होते हैं, 1 minute में कितने सेकंड्स होंगे, 60 seconds होंगे। ठीक है, और आपको मैं बता दूँ, 1 minute को कैसे डिफाइन करेंगे आप, 60 minutes या 1 minute को, जैसे आपके पास यहाँ 60 minute है, उसके ऊपर जैसे एक डैश है तो उसको कहेंगे मिनट, आपके पास डबल डैश आ जाए तो 60 seconds। ठीक है, आपके पास यहाँ पे क्या गया कि आपको ये एंगल शो करने हैं। ठीक है, यहाँ पे शो किए गए हैं, जैसे 360 एंगल कैसे बनेगा, जो एक पूरा सर्कल बना दे वो 360 का, जो हाफ सर्कल बना दे वो 180 degree का, जो 3/4 की शेप में बना दे एंगल, यानी कि जैसे पूरे इसे चार में बटा होता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी कि आपके पास क्या गिवन है, इस टाइम पे ये तीन चीज़ें गिवन है, यानी कि ये 270 एंगल बन जाएगा, यानी कि 3/4। ठीक है, आपके पास या भी ये 420 है, 420 कैसे आएगा, जैसे मान लीजिए आपने एक सर्कल पूरा कर लिया, ठीक है, ये यहाँ पे आपके पास सर्कल पूरा हो गया, तो ये 360 हो गया, अगर आप इससे एक्स्ट्रा आएंगे तो वो यहाँ पे 420 बनाए, यानी कि 360 में आपने कितना ऐड किया, यहाँ पे आपने 60 का एंगल बना दिया, तो आपके पास कितना आ गया, 420। अगर यहाँ पे सारे पॉजिटिव थे, अब आपको यहाँ पे नेगेटिव क्या रखे, नेगेटिव मैंने आपको बताया था, अगर वो क्लॉकवाइज आएगा तो नेगेटिव होगा, आपने एरो को निशान दिखाना है कि एंटी क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज, तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो जिसके कारण आपके पास यहाँ पे नीचे की तरफ बनेगा, तो माइनस का 30 दिखाएंगे, ऐसे ही यहाँ पे -420 आएगा। आपको मैंने बता दिया ये क्या होता है, वर्टेक्स, इनिशियल साइड, ये टर्मिनल साइड। ठीक है, अब यहाँ पे रेडियन भी बताया गया कि रेडियन को कैसे मेज़र किया जाएगा, देयर इज़ अनदर यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ एन एंगल, यहाँ पे बताया गया है कि जैसे आपने यहाँ पे एंगल को डिग्री के फॉर्म में आप मेज़र करते थे, तो यहाँ पर आपके पास एक नई यूनिट आ जाएगी मेजरमेंट करने के लिए एंगल को, उसको क्या कहेंगे, रेडियन मेज़र। ठीक है, तो रेडियन मेज़र को मैं आपको बताता हूँ आगे क्या बताएंगे। तो जैसे आपके पास थीटा गिवन होता है, लेंथ गिवन होती है, तो आप कहते हैं कि रेडियस निकाल लो, तो आप
या फिर आपके पास दो चीज़ें गिवन हो तो एक चीज़ निकालनी हो, तो आपके पास जैसे ये फॉर्मूला है, आप इस फॉर्मूले से इसको ड्राइव कर सकते हैं। अगर आपके पास वो रेडियस नहीं है तो आप रेडियस भी ऐसे ही निकाल लेंगे, ठीक है। तो आपके पास क्या है, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, यहाँ पे रिलेशन बताया जाएगा किसका, डिग्री और रेडियन का। तो सबसे पहले टू पाई जो है वो रेडियन की फॉर्म में होता है, रेडियन की फॉर्म में आप इसको डिग्री में कैसे बताएंगे, जैसे आपके पास रेडियन की फॉर्म है टू पाई, उसको डिग्री में बताना है, डिग्री में आप लिखेंगे 360 डिग्री। और अगर आपके पास पाई रेडियन है, यानी कि पाई आपके पास रेडियन की फॉर्म में, तो इसलिए पाई किसके इक्वल है 180 डिग्री के। और पाई को वैसे आप क्या लिखते हैं, इसकी अप्रोक्स वैल्यू होती है 22/7, ठीक है। अब आपके पास मान लीजिए 1 रेडियन है, उसको आपने डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, 180 डिग्री/π। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 57 डिग्री 16 मिनट अप्रोक्सीमेटली, मतलब यहाँ पर इसके नज़दीक की वैल्यू आएगी, बहुत नज़दीक वाली, ठीक है। या यहाँ पे 15.999 हो सकता है या 15.9 हो सकता है, ऐसी कुछ वैल्यू होगी। अगर आपके पास 1 रेडियन है, उसको आपने 1 डिग्री है, उसको आपने रेडियन में बनाना है, तो आप क्या करेंगे, 1π/180 डिग्री, ठीक है, वो आपके रेडियन के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। उसको आप क्या कर सकते हैं, अगर आपने उसको नंबर में दिखाना हो तो आपके पास आएगा 0 न्यूमेरिकल फॉर्म में दिखाना हो तो 0.01746 रेडियन। यहाँ पे भी अप्रोक्सीमेटली, यहाँ पे आपके पास जैसे 6 की जगह आपके पास 5557 हो सकता था, 552 हो सकता था, कुछ भी हो सकता था, 2 तो नहीं, 5 से बड़ा ही होगा, जिसके कारण यहाँ पे आपके पास 6 बना है, ठीक है। तो आपके पास ये डिग्री होती है, आपने ये इतनी डिग्री आपने 10th क्लास में सीखी होगी, तो आपके पास +1 में अब एक्स्ट्रा डिग्री आ गई। जैसे उसके इसमें अब रेडियन की फॉर्म में मेज़र करने के लिए आपको 30 डिग्री को आप कैसे लिखेंगे, π/6 क्यों लिखेंगे, 30 डिग्री किसके इक्वल होगी, देखिए 180 डिग्री किसके इक्वल होती है, पाई के। तो आपने मान लीजिए ऊपर पाई लिख दिया, अब इसको 30 डिग्री बनाना है, तो आप इसको किससे डिवाइड करेंगे 6 से, जिसके आपके पास क्या जाएगा 30 डिग्री। इसी तरह से आप किसको डिवाइड करेंगे, अब 4 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 45 आ जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 60 आ जाएगा। डिवाइड किसको करना है, पाई को डिवाइड करना है, किससे करना है, 3 से, तो आपके पास 60 आएगा। अगर 90 करना हो तो उसका 180 का हाफ होता है, यानी कि पाई का हाफ कर देंगे, π/2, 180 डिग्री पाई होता है, 270 डिग्री क्या होता है, 3π/2, इसी तरह से 360 होगा 2π। अब आप एग्जांपल स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले एग्जांपल है कन्वर्ट 40 डिग्री 20 मिनट्स इनटू रेडियन मेज़र, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि आप जानते हैं कि 180 डिग्री किसके इक्वल होता है, पाई के। यहाँ पे 40 डिग्री 20 मिनट्स को चेंज करना है रेडियन में, तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, 40 डिग्री 20 मिनट्स, तो आपने 20 मिनट्स को वापस डिग्री में बनाना है। डिग्री में आप कैसे लाएंगे, मैंने आपको बताया था कि 1 डिग्री में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं, तो आपके पास 20 डिग्री है, ततो आपको 20 मिनट्स हैं, तो आपको इसको डिग्री में वापस बनाना होगा। डिग्री में बनाने के लिए आप क्या करेंगे, 20 को डिवाइड कर देंगे किससे, 60 से, जिससे आपके पास आ जाएगा, डिग्री में आ जाएगी, तो आपकी डिग्री क्या आएगी, 1/3। अब आपने क्या करना है, मैंने आपको ऊपर फॉर्मूला बताया था, अगर आपको डिग्री से रेडियन में जाना हो तो आपको डिवाइड किससे करना होगा, π/180 से मल्टीप्लाई करना होगा। किसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, इस डिग्री को। डिग्री आपने यहाँ पे 121 कैसे आई है, आपने इसको सॉल्व किया, मिक्स्ड फ्रैक्शन आपने पहले ही 5th, 6th, 7th क्लास में आपने सीख लिया है कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। आप क्या करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई, फिर इसको इसमें प्लस कर देंगे, यानी कि 3 × 40 + 1 121 आ जाएगा, 121 × π/3, आप 3 को इससे मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा, 540, तो आपकी रेडियन निकल गई 121π/540। अब आपको क्या करना है, आपके पास रेडियन गिवन है, उसको कन्वर्ट करना है डिग्री में, तो आपको पता है पाई जो है 180 डिग्री के इक्वल होता है, तो आपने लिखा 6 रेडियन, यानी कि 6 आपके पास रेडियन थी। अब आपको डिग्री में जाना है, तो अब मैंने आपको पता है, तो डिग्री में जाना हो तो ऊपर लिखेंगे आप 180 और नीचे लिखेंगे पाई, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, किसकी मल्टीप्लाई, जो आपको गिवन है 6 रेडियन। तो आपने यहाँ पे इसको 6 से मल्टीप्लाई किया 180 को, तो आपके पास आ जाएगा 1080, यानी कि 1080। इसको आपने क्या किया, जो पाई होता है उसकी वैल्यू मैंने आपको दिखाई थी ऊपर क्या होती है, 22/7
22/7 नीचे आएगा, लेकिन आप इसको रेसिप्रोकल कर देंगे जिसके कारण 7 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, अब आपने इसको सॉल्व करके आपने ये बनाया, आपने पहले इसको काट दिया। ठीक है, उसके काटने के बाद जो आएगा उससे आप डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद आपके पास ये चीज़ बन जाएगी, आपको ये बनानी आती होगी। तो आप क्या करेंगे, 7/11 को क्या करेंगे आप, यह डिग्री है, इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि आपको मैंने बताया था कि वन डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो आपके पास यहाँ पे 7/11 डिग्री है, आपको इसको मिनट में कन्वर्ट करना है। तो आप इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा, मिनट आ जाएगा। मिनट आपके पास कितने आ जाएंगे, 38 मिनट। और फिर आपके पास कुछ ना, जैसे आपके यहाँ पे दिख रहा होगा 22/11 बचेगा आपके पास आंसर में, तो आप उसको उसके पीछे लिखेंगे मिनट। अब आपके पास यहाँ पे क्या आना चाहिए, आपका मिनट 38 मिनट आ गया। ठीक है, उसके बाद 2/11 जो है वो सेकंड में होगा, तो वन मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60। तो आपके पास 2/11 मिनट्स हैं, तो आप उसको 60 सेकंड बनाने के लिए आप क्या करेंगे, उसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2/11 को आप 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 10.9 सेकंड। तो आपका क्या आ गया, आपकी अप्रोक्स वैल्यू आ जाएगी 6 रेडियन की, 343 डिग्री 38 मिनट 11 सेकंड। ठीक है, आपके पास थर्ड एग्जांपल है। अब फाइंड द रेडियस, यहाँ पे आपको रेडियस फाइंड करनी है ऑफ द सर्कल इन विच ए सेंट्रल एंगल इज ऑफ 60। यानी कि आपके पास 60 थीटा जो है आपके पास कितना है, 60 है, आपको रेडियस फाइंड करनी है। तो आपके पास एक चीज़ और होगी, वो है आपके पास लेंथ कितनी, आपके पास 37.4 सेंटीमीटर। ठीक है, और आपके पाई की जगह जब आपका सॉल्व कर ले तो उसमें पाई बचेगा, तो पाई की जगह आपने क्या यूज़ करना है, 22/7। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया हुआ है, अगर आपके पास ऐसा कुछ गिवन हो तो आपके पास क्या होता है फॉर्मूला, थीटा किसके इक्वल होगा, L/R के। तो आपने यहाँ से R निकालना है, आप इस फॉर्मूले से आप R की वैल्यू ड्राइव कर लेंगे, R की क्या वैल्यू आनी चाहिए। जैसे आपको यहाँ पे गिवन है हेयर L 37.4, जैसे मैंने आपको बताया था क्वेश्चन में, और थीटा क्या है, 60, यानी कि आपके पास यहाँ पे डिग्री में है। आपने इसको किस में कन्वर्ट करना है, रेडियस में, रेडियन में। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 60π/180 डिग्री। ठीक है, जिसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा π/3। यहाँ पे इसलिए आपको बताया गया कि ये कैसे आएगा फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, आपने रेडियन बनाना है तो पाई ऊपर रखेंगे, लेकिन मैंने आपको ऊपर डिग्री का बता दिया था कि 30 डिग्री को कैसे लिखते हैं, 45 को कैसे लिखते हैं, 60 को कैसे लिखते हैं, और इसी तरह से 90, 180, 270, 270 और 360। ठीक है, तो आपके पास क्या है, R=L/θ। तो आपने R की वैल्यू निकालनी है, तो आपके पास L जो है आप वो लिखें, और जो थीटा है वो लिखेंगे आपके पास जो है π/3। जो 3 नीचे था आपने उसको, वो ऊपर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, नीचे डिवाइड में ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और फिर आप पाई की वैल्यू खोल रख देंगे 22/7। तो आप 7 नीचे था डिवाइड में, वो जाके ऊपर हो जाएगा, आप इसकी मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद उसको 22 से डिवाइड कर दें, आपके पास आ जाएगा 35.7 सेंटीमीटर। यानी कि आपके पास क्या आ गई, रेडियस। ठीक है, ये एग्जांपल इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से करना है। यहाँ पे क्या कहता है, द मिनट हैंड ऑफ ए वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। यानी कि जैसे घड़ी के अंदर मिनट हैंड होती है, सेकंड हैंड होती है ना, वैसे ही मिनट हैंड, सेकंड हैंड और आवर हैंड। तो यहाँ पे मिनट हैंड आपके पास, यहाँ पे मिनट हैंड है वो कितने सेंटीमीटर लॉन्ग है, 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग है। तो यहाँ पे क्या बताया गया है, हाउ फार डज इट्स टिप मूव इन 40 मिनट्स। यहाँ पे बताया गया कि यहाँ पे एक मान लीजिए आपके पास घड़ी थी, ठीक है, ये 1.5 सेंटीमीटर जो है मिनट वाली है, ये 1.5 है, 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग है। तो आप क्या करेंगे, इसको ये बताना है कि 40 मिनट्स के बाद ये कहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, तो आपने ये बताना है, तो आप क्या करेंगे, इन 60 मिनट्स द मिनट हैंड ऑफ ए वॉच कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन। यानी कि बताया गया कि आपको पता है 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट्स में ये एक रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लेती है। ठीक है, तो उसके बाद क्या करेंगे आप, आपके पास है देयर फोर इन 40 मिनट्स, 40 मिनट्स में कितना करेगी, 2/3 करेगी उसका रेवोल्यूशन का। तो आपके पास थीटा कितना आ गया, 2/3 × 360, जिसके आपने रेडियन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, रेडियन के फॉर्म में आपके पास आ जाएगा 4π/3।
आपके पास अब क्या क्या आ गया, आपके पास एक लेंथ आ गई, एक सॉरी लेंथ तो आपने निकालनी है, आपके पास रेडियस रेडियन में की फॉर्म में थीटा आ गया और एक रेडियस आ गई, तो आपने क्या निकालना है, लेंथ निकालनी है। लेंथ कैसे निकालेंगे, आर इंटू थीटा, ठीक है। आपने किस फॉर्मूले से इसको ड्राइव किया है, थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर, ठीक है। इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आपने इसको ड्राइव कर दिया, जिससे आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी एल की, आपने यहाँ पे थीटा और आर की वैल्यू रख देनी है, जिससे आपकी एल की वैल्यू आ जाएगी 6.28 सेंटीमीटर, ठीक है। आपने इसको सॉल्व करेंगे, आपके पास 2 पाई आएगा, 2 पाई, पाई की जगह आपने क्या रखना है, यहाँ पे यूज़ करना है 3.14। आपने पाई के फॉर्म में नहीं रखना, जब आपको गिवन हो कि आपने इसका यूज़ करना है तो आपने इसका यूज़ करना ज़रूरी होगा आपके पास, ठीक है, नहीं तो आपका सम गलत माना जाएगा। इसलिए आप यहाँ पे 3.14 सेंटीमीटर ले देंगे, इसको सॉल्व करेंगे 6.28 सेंटीमीटर उसकी लेंथ आ जाएगी। तो अब अगला एग्जाम्पल आपके पास, इफ़ द आर्क ऑफ द सेम लेंथ, यानी कि यहाँ पे दो आर्क्स हैं जिसकी सेम लेंथ है, दो सर्कल्स की सबटेंडेड एंगल, दोनों का अलग अलग एंगल, जैसे 65 और 110, ठीक है, एट द सेंटर, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडी, यहाँ पे रेडियस को यहाँ पे दो हैं तो यहाँ पे रेडी लिखेंगे, ठीक है। रेडियस आपने क्या हाईलाइट कर लिया, रेडियस वन को R1 और रेडियस टू को R2, ठीक है। जो यहाँ पे आपके पास थीटा गिवन है 65, आप 65 को किस में कन्वर्ट करेंगे, रेडियन की फॉर्म में। रेडियन की फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना आ गया होगा, मुझे लगता है मैंने आपको अच्छे से बताया है। रेडियन की फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो पाई रखेंगे, अगर डिग्री की फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो ऊपर 180 डिग्री रखेंगे, ठीक है। तो आपने पाई से मल्टीप्लाई करना है, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करना है, किसको करना है, थीटा को, थीटा आपके पास 65 डिग्री है, तो आपने इसको कन्वर्ट किया तो आपके पास क्या आ गया, 13 पाई अपॉन 36 रेडियन में आ गया। इसी तरह से आपने थीटा टू को जो आपके पास 110, उसको भी आपने कन्वर्ट करना, आपके पास वो क्या आ जाएगा, 22 पाई अपॉन 36। और लेंथ आपके पास दोनों की सेम है, जैसे क्वेश्चन में गिवन था, यानी कि एल जो है किसके इक्वल होगा, R1 थीटा 1 और R2 थीटा 2 के दोनों, मतलब एल जो है इसके इक्वल भी है और एल जो है इसके इक्वल भी है, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल हुए, तो आपने इसको इस तरह लिख देना है कि दोनों आपस में इक्वल हैं। फिर आपने क्या करना है, R2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, यहाँ पे डिवाइड में ले आएंगे, जैसे कि यहाँ पे ये 13 पाई जो है मल्टीप्लाई में, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, 36 डिवाइड में वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, पाई से आप पाई काट देंगे, ठीक है। उसको फिर आप जो आपके पास है 22 अपॉन 36 और 36 अपॉन 13, उसको काट के आपके पास क्या आ जाएगा, 36 दोनों में इधर साइड ऊपर और नीचे दोनों हैं वो कट जाएंगे आपस में, तो आपकी रेशियो, आपने यहाँ पे रेशियो निकालनी थी, तो रेशियो आपके पास क्या आ जाएगी, 22 अपॉन 13। आपके एग्जाम्पल ख़त्म होते हैं, अब आप सम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक्स के अब सम स्टार्ट होंगे, फर्स्ट एक्सरसाइज के 3.1 फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या कहता है, फाइंड द रेडियन मेजर, यहाँ पे कहा गया है कि रेडियन मेजर को निकालना है कॉरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर, जैसे कि आपको यहाँ पे जो डिग्री जितनी भी दी गई है उन सबको आपने रेडियन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। 25 डिग्री आपके पास है, आपको पता है कि 180 डिग्री किसके इक्वल होता है, पाई रेडियन के, तो आप क्या करेंगे, 25 किसके इक्वल लिख देंगे, पाई अपॉन 180 डिग्री इंटू 25, ठीक है। उसको आप मल्टीप्लेक्स करके सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपने पाई को यहाँ पे सॉल्व नहीं करना, आपने 180 और 25 को ही खाली सॉल्व करना है, क्योंकि रेडियन में पाई लगाना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगी, 25 डिग्री की वैल्यू 5 अपॉन 36, 5 पाई बाय 36। अब आपके पास क्या है, माइनस का 47 डिग्री 30 मिनट्स, तो आपको मैंने बताया कि आपने आपके पास मिनट हो तो उसको डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जितने मिनट जितने आपको मिनट गिवन है, जैसे 10 20 30 जितने भी गिवन हो उसको 60 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, जिससे आपके पास रेडियन रेडी क्या आ जाएगी, डिग्री आ जाएगी, ठीक है। तो आपकी डिग्री क्या आ गई, 1/2। अब आपके पास क्या हो गया, माइनस का 47 × 1/2 डिग्री आ गई, ठीक है। अब एक बार आप इस माइनस को भूल कर इसको सॉल्व करें, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 47 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 94 + 1 95 हो जाएगा, माइनस का 95/2 डिग्री में आ गया, ठीक है। आपके पास क्या था, रेडियन में मेज़र करना है, तो पहले आपके पास क्या था, रेडियन आपके पास डिग्री और मिनट्स थे,
आपने इसको पूरे को आपने क्या फॉर्मूला है, डिग्री की फॉर्मूला है। अब जिससे आपके पास आसान हो जाएगा क्या निकालना, रेडियन की फॉर्म में। रेडियन कैसे निकालेंगे, पाई अपॉन 180 डिग्री, ठीक है। आपने इसको मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस का 19 अपॉन 36 इंटू 2। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा माइनस का 19 अपॉन 72। पाई आपके पास चल रहा है, रेडियन निकालना जरूरी होता है, यहाँ पे पाई जो है उसको सॉल्व नहीं करेंगे, बाकी जो तीन चीज़ दो चीज़ जितने भी होंगे उसको सॉल्व करके आप इसकी वैल्यू निकालेंगे। अब आपके पास है 240 डिग्री, तो आपको 240 डिग्री को भी कन्वर्ट करना है। 240 डिग्री को कैसे कन्वर्ट करेंगे, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर। तो आपको इसको जब इसकी मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास क्या आएगा, 4 पाई अपॉन 3। तो ये आपकी रेडियन की फॉर्म में आ गई है। अगर आपको कोई सम समझ नहीं आएगा तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख दें कि आपको कौन सा सम समझ नहीं आया, मैं आपको दोबारा से समझा दूंगा। तो आपका फोर्थ सम स्टार्ट होता है। अब फोर्थ सम में क्या कहते हैं, आपको 520 डिग्री को भी रेडियन में कन्वर्ट करना है। जैसा कि आप जानते हैं 180 डिग्री किसके इक्वल होती है, पाई के, ठीक है। 520 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 520 डिग्री को पाई अपॉन 180 से। तो आपने इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 26 पाई अपॉन 9। यहाँ पे आपने किससे मल्टीप्लाई किया है, पहले तो जीरो से जीरो काट देंगे, फिर इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास 26 अपॉन 9 आ जाएगा, ठीक है। आपका सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द डिग्री मेजर कॉरस्पॉन्डिंग टू फॉलोइंग रेडियन मेजर। तो आप क्या, आपके पास अब रेडियन गिवन होगी, आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है, और ऊपर आपके पास डिग्री थी रेडियन में आपने कन्वर्ट किया, तो पाई की जगह आपने 22/7 यूज़ करना है, क्योंकि डिग्री में पाई की वैल्यू नहीं रख, पाई की जो लगाते हैं निशान जैसे कि भाई ऐसे होते हैं, ये यूज़ नहीं करना साइन, आपने यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है और सॉल्व करना है। तो आप क्वेश्चन देखते हैं क्या है, जितनी भी आपको यहाँ पे रेडियन गिवन है उसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले पॉइंट आपके पास 11/16, तो आप क्या करेंगे, आपको पता है कि पाई जो होता है किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के। तो आपने लिखा 11/16 रेडियन। आपको मैंने बताया है कि जब भी आपको डिग्री से रेडियन में जाना हो तो आप क्या लिखेंगे, पाई अपॉन 180, ठीक है। और आपके पास रेडियन गिवन हो और आपने डिग्री में जाना हो तो आप क्या लिखेंगे, 180 अपॉन पाई, जिसे यहाँ पे आपको दिख रहा है, अब मैंने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, 180 अपॉन पाई, ठीक है, इनटू क्या लिखेंगे, जो आपके पास रेडियन गिवन होगी, जैसे कि यहाँ पे आपके पास गिवन है 11/16, तो आपने यहाँ पे पाई की वैल्यू रख देनी है 22/7, ठीक है। और यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 315/8, यानी कि 315/8। आपने इसको डिवाइड करना है, 8 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 39/3/8। यहाँ पे मिक्स्ड फ्रैक्शन में आया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब आपको मैंने बताया था कि अगर आपके पास मिनट हो तो उसको, मिनट को डिग्री में वापस ले जाने के लिए आप 60 से डिवाइड करेंगे। अगर आपको डिग्री से रेडियन में मिनट्स में जाना हो तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, आपने डिग्री से मिनट में जाना है तो मल्टीप्लाई, और डिग्री से मिनट से डिग्री में वापस आना है तो डिवाइड। तो आपके पास यहाँ डिग्री गिवन है, आपने यहाँ पे 60 से मल्टीप्लाई करना है ताकि आपके मिनट्स में आ जाए। तो आप क्या करेंगे, 39 जो था आप उसको छोड़ देंगे, 3/8 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का निशान लगा कर, आपके पास ये जो आएगा वो होगा 22 मिनट्स और 1/2, ठीक है। तो आपने 1/2 को फिर सेकंड्स में कन्वर्ट करना है, मैंने आपको बताया हुआ है कि मिनट, एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो आपने इसको फिर से 60 से मल्टीप्लाई करना है, जिससे आपके पास आ जाएगा 30 सेकंड। तो आपके जो डिग्री की फॉर्म में है वो आ गया आपके पास 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकंड्स, ठीक है। अब अगला सम है माइनस का 4, इसको भी आपने रेडियन में कन्वर्ट करना है। जैसे कि आप जानते हैं पाई किसके इक्वल होता है, 180 के, ये एन नहीं है, ये पाई है, ठीक है, ध्यान रखना है। जो माइनस 4 किसके इक्वल हो जाएगा, 180 अपॉन पाई इंटू माइनस 4। तो आप यहाँ पे पाई की वैल्यू रख दें, आपके पास ये आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2520/11। आप इसको डिवाइड करेंगे तब आपके पास क्या आएगा, माइनस का 229/1/11, ये आपकी मिक्स फ्रैक्शन आ गई,
पॉइंट में आपको नहीं लेके जाना, आपको इसको मिक्स फ्रैक्शन में रखना है, ठीक है। तो आप अब क्या करेंगे, अब 1/11 को मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास एक डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 60। तो आप इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास मिनट्स की फॉर्म में आ जाएगा, आपके पास आएगा 5 × 1/5/11। तो आप 5 मिनट्स अलग कर देंगे और 5/11 था, जैसे कि यहाँ पे आपके पास 229 × 1/11 था, तो आपने क्या किया 1/11 को अलग कर दिया। इसी तरह से आपके पास क्या आएगा 5 × 5/11, आपने क्या करना है 5/11 को अलग करना है। अब यहाँ पे आपके पास ये मिनट्स है, इसको आपने क्या करना है कन्वर्ट करना है किस में, सेकंड्स में। तो आपने इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 60 से क्यों करेंगे, एक मिनट में, क्योंकि 60 सेकंड होते हैं, इसीलिए आपने इसको सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपने जब इसकी मल्टीप्लाई की तो आपके पास क्या आ जाएगा आंसर, 229 degrees 5 minutes 27 seconds, ठीक है। आपके पास थर्ड सम है, थर्ड पॉइंट है इसका 5π/3। तो आपने को पता है कि पाई जो किसके इक्वल होता है 180 डिग्री के, आपने किससे मल्टीप्लाई करना है पाई बाई थ्री को 180 degrees/π से। पाई अपॉन 180 डिग्री से कब करेंगे, जब आपको रेडियन की फॉर्म में आना है, लेकिन यहाँ पे आपको रेडियन की फॉर्म गिवन है, डिग्री में जानना है। तो आप क्या करेंगे, पाई अपॉन 180 अपॉन पाई करेंगे, आप इसकी मल्टीप्लाई सॉल्व कर लें तो आपके पास क्या आ जाएगा 1300 डिग्री पाई से पाई कट जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। आपके पास फोर्थ सम है 7π/6, आपने इसको 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर लेंगे और 7π/6 आपके पास गिवन था, जिससे आपके पास 210 डिग्री आ गई। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। अगर आपको कोई सम समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में लिख देना कि आपको कौन सा सम समझ नहीं आया।